बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था क्योंकि ऐसी कोई अपडेट्स थी नहीं मेरे पास, बट दो दिन पहले एक नोटिफिकेशन, फेक नोटिफिकेशन मैं कहूंगा उसको, मैं उसको ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा नोटिफिकेशन जिसकी रिसोर्सिस ऑफिशियल लिंक से ना हो, ऑफिशियल जो है वो गवर्नमेंट के इदारों से ना हो, तो उसको मैं फेक नोटिफिकेशन ही कहूंगा। ठीक है, तो वो एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे जो है वो घूम रहा है, उस पर लोग यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद पाकिस्तानियों के लिए क्वारंटाइन फ्री हो रहा है, 15 सितंबर के बाद पाकिस्तानियों के लिए जो है वो क्वारंटाइन जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो इस्तांबुल तुर्की आए हुए हैं इस वक्त, दुकान से उनकी मीटिंग हो रही है। भाई तो मुझे सॉरी टू से, मुझे समझ में नहीं आता लोगों का, मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या है। देखिए, तुर्की पाकिस्तान ब्रदरहुड कंट्री है, तो हुकूमती सतह पर है, उसमें फेवर जरूर मिलती है पाकिस्तानियों को, बट वो ये डिस्कस करने नहीं आए कि भाई पाकिस्तानियों को आप लोग क्वारंटाइन क्यों कर रहे हैं, उनका कोरोना खत्म कर, क्वारंटाइन खत्म कर दें, तो इस सिलसिले में वो लोग नहीं आए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको उनको जो है वो हुकूमती सतह पर जो है वो डिस्कस करना होता है। आजकल अफगानिस्तान जो है वो हॉट केक बना हुआ है। आजकल अफगानिस्तान के टॉपिक पर ज्यादा बातें हो रही हैं, और जो पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल लोगों के, जितने भी गवर्नमेंट्स के, या फिर तुर्की में भी मैं देख रहा हूँ जितने लोगों के जो गवर्नमेंट्स ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वो आजकल सबकी ज्यादातर जो टॉपिक, हॉट टॉपिक जो बना हुआ है वो अफगानिस्तान बना हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान पर बातें हो रही हैं, अफगानिस्तान की कंट्री के हालात क्या चल रहे हैं उस पर बातें हो रही हैं। इस पर बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही कि भाई पाकिस्तानियों को क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है तुर्की के अंदर। तो ये जो न्यूज, जो मैं बताने का मकसद कि जो न्यूज है भाई, मैं इस न्यूज को जो है वो ऑथेंटिक नहीं मानता, अपने मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर कोई मानता है तो उस न्यूज को माने। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ही भी ये बात बताई थी, आपको क्लियर की थी ये बात कि जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि अगस्त अभी खत्म होने ही वाला है तकरीबन, तो सितंबर तक भी ये मामला चलेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि अक्टूबर में क्वारंटाइन वाला सिस्टम ही, सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, उम्मीद मुझे ऐसी नजर आती है, बट मैं मेक श्योर नहीं, मेरा अंदाजा है जो हालात मैं यहां पर देख रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पिछले 2 साल से तुर्की में टूरिज्म के हवाले से काम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ था, पैंडेमिक की वजह से लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे। तुर्की तो काफी टाइम से खुला हुआ है, बट जो भी कंट्रीज थे, छोटे और बड़े कंट्रीज, वो ट्रेवल में बहुत रिस्ट्रिक्शन उन्हें लगाई हुई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि तुर्की आपको पता है कि टूरिज्म के हवाले से ही ज्यादा जो है वो सर्वाइव करता है, इकोनॉमी इनकी बड़ी डिपेंड करती है टूरिज्म के हवाले से, और यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उस हवाले से, तो इनको भी काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आपने खुद भी देखा कि आज से अगर 2019 में हम डॉलर का रेट अगर देखें तो 6 के अंदर था, और आज डॉलर जो है 8.5 और 9 के करीब करीब घूम रहा है, इतना रिफ्लेक्ट हुआ है डॉलर, इतना इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से तुर्की में महंगाई भी बहुत ज्यादा हुई है, तो इनकी इकोनॉमी भी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से ये लोग नहीं चाहते कि ऐसी कंडीशन या ऐसे हालात पैदा हों जिसकी वजह से इनके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे ताल्लुकात खराब हों, इनकी प्रायोरिटी में वो कंट्रीज हैं जो इनको डॉलर यूरो देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा समझें, तो काइंडली आप लोग इस जो नोटिफिकेशन घूम रहा है इसके लिए आप लोग मुझे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं बार बार व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, या अपडेट्स दे दें। तो जो बंदा भी आपको ये न्यूज दे रहा है उसको बोलो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दो, आपने कहां से ये न्यूज ली है, वरना मतलब आगे लोग जो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं ये भी करना मुनासिब नहीं है। जब एक चीज ऑथेंटिक आप लोगों को न्यूज उसकी पता ही नहीं है, तो वो ऐसी बातें आगे फैलाना जिसका ना सर है ना पाँव है, तो ये भी मुनासिब नहीं है, तो आप लोग खुद भी इस चीज से अवॉइड करें। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो टॉपिक था मेरे पास अभी रिसेंटली, मेरे पास 2-3 लोगों की कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि हम उज़्बेकिस्तान से जो है वो अगर 15 दिन स्टे कर आ जाए तुर्की तो क्या हमें क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये थी, आप लोगों का तुर्की माइग्रेट करने का इरादा है, जो जिन लोगों का माइग्रेट करने का इरादा है वो तो खासतौर पे थोड़ा सबर तहमुल से काम ले लें, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं तो थोड़ा सा स्टे करें अपने कंट्री के अंदर और स्टडी कर यहाँ पर आए, क्योंकि होटल बुकिंग के हवाले से भी बहुत सारे जो है वो स्कैम्स जो है सुनने में आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मतलब अंकारा में जो 300 तुर्की लीरा पर नाइट के हिसाब से होटल की जो बुकिंग होती है, तो 10 दिन की अगर बुकिंग करें तो 3000 तुर्की लीरा बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी मेरा ख्याल है अगर 20 का लीरा चल रहा है तो 60,000 बनते हैं। तो उसपे लोगों ने जो वो 1-1.5 लाख 1.5 लाख होटल बुकिंग के लिए लोगों से चार्ज किए, लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए, जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला, ये भी पता चला कि 10 दिन की होटल बुकिंग जरूरी नहीं है, वो तो 7 दिन की होटल की बुकिंग भी हमें दे रहे हैं, मसला नहीं हो रहा।
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग थोड़ा सा स्टडी क्यों नहीं करते, आप लोग थोड़ा सा होमवर्क क्यों नहीं करते। आप लोग अपनी तरफ से थोड़ी सी अगर होमवर्क कर आए हैं, थोड़ा सा मालूमात लेकर आए हैं, थोड़ा स्टडी कर आए हैं, तो यहाँ पर जो स्कैम्स होते हैं या जो लोग स्कैम करते हैं वो लोग आपसे स्कैम नहीं कर पाएंगे। आप लोग खुद थोड़ा सा अगर प्रॉपर चीजों को हैंडल कर आए, फिर अगर यहाँ पर आने के बाद आप लोगों का होमवर्क नहीं होता और कोई बंदा आपसे फायदा उठा लेता है, ये सिर्फ तुर्की में नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर आपका होमवर्क नहीं होगा, आप कहीं पर वीक होंगे तो दूसरे लोग आप लोगों से फायदा उठाएंगे। और ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि 10 दिन की होटल बुकिंग के पैसे चार्ज किए गए और यहाँ पर उनकी होटल बुकिंग जो है वो 7 या 8 दिन की हुई थी। इस तरह की भी खबरें सुनने में आई हैं हमारे पास। तो आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें मैंने सारी होटल्स की डिटेल्स, होटल के फोन नंबर्स, कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी वेबसाइट सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आप लोग जो भी आना चाह रहा है तो वो थोड़ा सा अगर खुद कॉन्टेक्ट कर ले तो वो स्कैम से बच सकेगा और उसके जो पैसे हैं वो बच सकेंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को स्टडी करें, चीजों को समझें पहले और उसके बाद तुर्की आने का प्लान करें। इस तरह सडनली इस तरह की चीजें ना करें, जल्दबाजी ना करें चीजों के अंदर जिसमें आपको नुकसान हो और दूसरा बंदा आपसे फायदा उठा सके। करता हूं कि मेरी जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी आपको पसंद आई होगी और आप लोगों की दिल आजारी नहीं होगी। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यही है आप लोगों को बताने का कि आप लोग जो भी लोग पाकिस्तान से इधर माइग्रेट कर रहे हैं या किसी भी कंट्री से तुर्की अगर माइग्रेट करने का इरादा रखते हैं या माइग्रेट कर रहे हैं या यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो काइंडली वो लोग अपना जो है वो थोड़ा सा होमवर्क करें। अब बहुत आसानी हो गई है, जिस टाइम पर हम लोग आए थे आज से 3-4 साल पहले उस वक्त इतने पाकिस्तानी, इतने इंडियंस, इतने अफगानिस्तान के यहाँ पे लीगल लोग इतने ज्यादा मौजूद नहीं थे, इतनी ज्यादा फैमिलीज नहीं थी जो हमें मालूम प्रोवाइड कर सकती। अब जो है वो हर जगह पे आप देखें, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। आप लोग वहां उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और जो ग्रुप्स आपको लगता है या जो यूट्यूबर आपको लगता है कि ऑथेंटिक आपको मालूम देता है आप उसको फॉलो अप रखें, उससे मालूम हासिल कर सकते हैं आप लोग। तो अपना थोड़ा सा होमवर्क, अगर थोड़ा सा टाइम आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए अगर इस पर होमवर्क कर लें, अपनी तसल्लियां कर लें वहां पर पाकिस्तान में बैठ कर चीज की, तो यहां पर आने के बाद आप नुकसान से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जो है वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।